कितनी बेहतर वापसी है केवल के दाई में, और पूरा स्पेस उनको दे दिया था चेन मैन ने। पिछला फाइनल गेम से कवर किया था आपने गोल पोस्ट में सोनी के लिए ही, और वहां पर तो प्रदर्शन बेहतरीन रहा ही था, मगर मेरे लिए जो ब्रॉन्ज मेडल डबल्स में आया था हमारे पास वर्धा के एशियन गेम्स में कुछ महीने बाद, वो बहुत ही इंप्रेसिव था। एशियन गेम्स में हम जानते हैं कि जो मुकाबला होता है, मुकाबले का स्तर होता है वो बहुत शानदार होता है। वहाँ पर जब मैडल जीता था तब सर्टिफाई कर दिया था मनिका बत्रा ने कि बहुत बड़ा भविष्य है उनका भारत के लिए और टेबल टेनिस के लिए। बेशक टेबल टेनिस बैडमिंटन ये ऐसे इवेंट हैं जहाँ एशियन गेम का मेडल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स में आपको ज़्यादा चुनौती मिलती है। वुमेन्स डबल्स कैटेगरी में गोल्ड पोस्ट 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में मनिका बत्रा मौमा दास ने जीता था भारत का पहला सिल्वर मेडल, इतिहास रच दिया था। डिफेंडिंग चैंपियंस फेन तियानवे और यू मेंग्यू सिंगापुर के उस पैर से उस जोड़ी से हारे थे, मगर बहुत बड़ी बात थी उस वक्त सिल्वर मेडल जीतना, किसी ने उम्मीद नहीं की थी इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी भारत को। उसी जोड़ी में से सुनील याद होगा यू मेंग्यू को वुमेन्स सिंगल्स के फाइनल में हराया था मनिका बत्रा ने, और बड़ी बात ये थी कि चार इवेंट्स में जिसमें प्रतिनिधित्व किया था मनिका बत्रा ने भारत का, चारों में मेडल प्राप्त हुए थे उन्हें। बेहतरीन प्रदर्शन और उसी स्तर के प्रदर्शन की उम्मीद है मनिका बत्रा से। आज के प्रदर्शन में रात कोई कमी नहीं किसी किस्म की, 3-0 से आगे और 6-2 से चौथे गेम में लीड कर रही है मनिका बत्रा। बेहतरीन फोरहैंड देखने को मिला, कीमती पॉइंट अपनी तरफ खींचा है चिंगा यू ने, उस पर पॉइंट उन्होंने अपने शॉट से लिया है, उतनी ही आसानी से दे भी दिया। से रिटर्न करती है तो कई बार उस पर नियंत्रण नहीं रहता। बहुत अच्छी रैली और वही हुआ जो ज्यादातर या लगभग सभी अच्छे रैलीज में हुआ है इस मुकाबले में। पॉइंट आया मनिका बत्रा के लिए, इंटेंसिटी जब भी हाई करती है मनिका बत्रा पॉइंट्स लगभग उन्हीं को मिले हैं इस मुकाबले में। वेल डन चिंगनाम्पू, दूसरी बार हुआ है इस गेम में कि शानदार फोरहैंड शॉट लगाकर चिंगनाम्पू ने पॉइंट अपने लिए लिया है। और थोड़े पैचेस में ही सही लेकिन प्रतिभा दिखाई है इस युवा खिलाड़ी ने। जाहिर तौर पर मुकाबला एक बहुत बड़ी खिलाड़ी के साथ है, फाइनल फेयर की उम्मीद हम नहीं कर रहे थे। चलिए 6 मैच पॉइंट है मानिका के पास फिलहाल। एक पल के लिए ऐसे लगा कि आ गया था,
मैच जो पत्थर पे लकीर है उसको थोड़ी देर के लिए बस सर टालने की कोशिश हो रही है। इंतजार खत्म हुआ। डिफेंडिंग चैंपियन मानिका बत्रा ने अपने सिंगल्स के इवेंट में 4-0 से पहला मुकाबला जीत लिया है। दो गेम ऐसे रहे जहां 16 साल की चिंग नैंगथू ने उनको थोड़ी चुनौती